हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सब लोग? चलो पढ़ाई तो अच्छी चालू है। देखो बच्चों, हमारा 6 नंबर का चैप्टर अभी यहाँ पे आधा खत्म होने वाला आज, क्योंकि बच्चों इसके बाद में मैं कुछ 2 ही या 3 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा बनाने वाला हूँ, चैप्टर को एंड अप करने वाला हूँ। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं बच्चों, जो सरफेस टेंशन में जो एक्सेस प्रेशर होता है, बहुत सारे बच्चों की इसमें मिसकंसेप्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात बच्चों, अगर ये वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चे थोड़ा देखते छोड़ दे, ऐसा मत करना, पूरा की पूरा देखना। इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि सभी बच्चे के पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए बच्चों। यही होप करता हूँ आपसे और यही उम्मीद करता हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ने वाले, एक्सेस प्रेशर, इसमें बहुत सारे मिसकंसेप्ट बहुत बच्चे के होते हैं, वो मैं आज दूर करूंगा। जैसे कि देखो बच्चों, पहले बेसिक लूंगा, उसके बाद में बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आने वाला उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों देख लेना कि यहां पे समझो, फॉर एग्जांपल यहां पे एक मेरे पास ड्रॉप है। मैं बबल की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैं बात कर रहा हूं पहले ड्रॉप की, जो लिक्विड की ड्रॉप होती है। मैं बबल की बात नहीं कर रहा हूं, ड्रॉप की कर रहा हूं। आई विल रिपीट, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों इसमें ही गड़बड़ाते हैं। तो बच्चों, ड्रॉप में एक फोर्स लगेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, लगेगी कि नहीं, बराबर है? तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। अरे अंदर लिक्विड एक फोर्स लगेगा और इसको प्रेशर बोलेंगे, इसकी प्रेशर लिक्विड की। इसलिए बच्चों ये जो ड्रॉप है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, है ना? तो ऐसा लग रहा है प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल। बात समझ में आ रही बच्चों? ये बबल ऐसा क्यों है? अगर मैंने पूछा आपको ये बबल में ऐसे लिक्विड है कुछ, तो जो भी होगा फ्लूइड, जो भी आपको जो मानना है, अंदर से लिक्विड फोर्स लगाता होगा या प्रेशर लगाता होगा, और एक्सटर्नल जो प्रेशर है, इसलिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, ऐसा लगता है। लग रहा है कि नहीं? सही है ना? बराबर है? नहीं बच्चों, गलत है। क्यों गलत है मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लेना बच्चों। एक्चुअल में यहां पे ये कहानी हो रही है। ये देखो, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर बोलेंगे, प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, और लिक्विड इधर से ऐसे प्रेशर लगा रहा है, दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं है। और एक नाम का एक प्रेशर लगेगा बच्चों इस पे, और एक प्रेशर है, और वो प्रेशर है बच्चों कौन सा? सरफेस टेंशन वाला। कौन सा? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करता है? अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो बच्चों जाके देख लेना, सरफेस एनर्जी भी क्या होती है भी देखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों सरफेस टेंशन करता है, अपने जितने मॉलिक्यूल्स है उनको सिकुड़ना चाहता है, अंदर लेना चाहता है, एक दूसरे को खींचता है, ऐसे 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 खींचने लगता, जूम 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 ऐसे खींचने लगता, जूम जूम ऐसे, बराबर है? तो बच्चों यहां पे जो भी लिक्विड होंगे, इस लिक्विड को जो है ऐसे खींचेंगे, इधर वाले को खींचेंगे, इधर वाले को यहां खींचेंगे, इधर वाले को यहां खींचेंगे, यहां खींचेंगे, यहां खींचेंगे, यहां खींचेंगे। मतलब बच्चों एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा रहा है, नंबर वन, और दूसरा जो सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स है वो भी अंदर प्रेशर लगा रहे, अंदर प्रेशर ऐसे ऐसे खींच रहा है। मतलब बच्चों ये जो लिक्विड वाला जो प्रेशर है वो प्रेशर इन दोनों प्रेशर से ज्यादा होगा। आई विल रिपीट बच्चों, यहां पे अंदर खींचने वाला जो फोर्स है, जूम 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 खींच रहा है, ये भी प्रेशर लगा रहा, मतलब ये अंदर ये, और ये जो सरफेस टेंशन वाला ये जो है ये, इन दोनों को बच्चों अपोज करते हुए ये ढकेल रहा है, ऐसे जूम लिक्विड ऐसे ढकेल रहा है। मतलब बच्चों यहां पे एक बात सही है कि प्रेशर ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल से ज्यादा ही होगा, ये श्योर है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये दोनों को बैलेंस कर रहा है, एक्सटर्नल जो फोर्स है मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और जो सरफेस टेंशन वाला जो प्रेशर है अंदर, जो सिकुड़ना चाहता है, सरफेस एनर्जी कम करना चाहता है, अपना मिनिमम एरिया करना चाहता है, ये जो है ये दोनों को मिला के ये इक्विलिब्रियम कर रहा है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स से लिक्विड का जो भी प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर से लिक्विड का जो प्रेशर है वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों को बैलेंस कर रहा है बच्चों। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं लिक्विड का प्रेशर माइनस एक्सटर्नल, है ना, एक्सेस ऑफ, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे क्या, एक्सेस ऑफ प्रेशर। तो एक्सेस ऑफ प्रेशर है ना बच्चों, जो एक्सेस है उसको निकालना है मुझे।
तो बच्चों ये होगा हमारे पास 2t/r, ये मैं आपको प्रूव करके दूंगा। कुछ लोग ऐसे लिखेंगे लिक्विड का प्रेशर है इंटरनल प्रेशर बच्चों, और जो एक्सटर्नल प्रेशर है बच्चों ये है बाहर वाला प्रेशर, तो PO बोलेंगे, ठीक है, आउटसाइड प्रेशर इज इक्वल टू 2t/r। ये मैं आपको यहां पे बच्चों आज प्रूफ करके देने वाला हूं, और आपके लिए जो सवाल होने वाले हैं बोर्ड में वो भी आपको बताऊंगा। बात समझ में आ गई बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक्सेस प्रेशर क्या होता है, तो ये जो लिक्विड है वो एक्सेस प्रेशर कैसे निकाल सकते हैं, तो ये फाइनल माइनस इनिशियल बराबर है, क्योंकि बच्चों ये जो है दो प्रेशर लगा रहा है, एक तो सरफेस टेंशन वाला और एक्सटर्नल वाला, एक की बराबरी कर रहा है ये, तो ये प्रेशर ज्यादा है किसका, लिक्विड का, और ये जो एक्सेस प्रेशर है बच्चों, इस एक्सेस प्रेशर की आज हम लोग कहानी बनाने जा रहे हैं, इसको ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सेस प्रेशर, ओके। तो बच्चों हम लोग जो बोर्ड में क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ये होता है डिराइव द लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेंबर्स, कौन सा लॉ, लैप्लास लॉ है ना, ये लैप्लास लॉ ऑफ स्फेरिकल मेंबर्स, ठीक है, ऐसे भी होता है या एक्सेस प्रेशर के ऊपर भी क्वेश्चंस आते रहता है। तो सबसे पहले बच्चों देख लेना, यहां पे मेरे पास एक ड्रॉप है ये, ठीक है, ड्रॉप का जो रेडियस होगा कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा बच्चों इनका, जो भी आपने रेडियस दिया है रेडियस मान लेना, ठीक है, ये स्मॉल आर मानेंगे। उसका जो प्रेशर होगा बच्चों, जो इंटरनल प्रेशर है इसलिए पी आई लिखेंगे, समझ में आ रहा है। तो बच्चों स्फेरिकल है, स्फेरिकल मेंबरेंस बोला है मैंने, तो स्फेरिकल के लिए जो इनिशियल एरिया है, ठीक है, इनिशियल जो एरिया मिलेगा हमको इसको ए आई बोलेंगे। ये स्फेरिकल है तो इसके लिए फार्मूला है 4πr² स्मॉल आर माना है मैंने, बात समझ में आ रही बच्चों, जो इनिशियल जो स्फेरिकल है। अब ये लिक्विड है, लिक्विड एक्सेस ऑफ प्रेशर के कारण बच्चों इसका जो एरिया है देखो बढ़ रहा है इसे, अरे बच्चों प्रेशर लगा रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे प्रेशर लगा रहा है ना लिक्विड, तो इसके कारण प्रेशर लगाने के कारण इसका एरिया बढ़ रहा है, एक्सेस प्रेशर है ना, तो एक्सेस प्रेशर के कारण इसका एरिया बढ़ रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है ये जो लगाने के कारण। तो इसका जो रेडियस है बच्चों, इसकी जो यहां पे जो बढ़ गया ये, इसको हम लोग डेल आर बोलेंगे, और ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चों, ये ऊपर वाला मतलब आउटर प्रेशर है या आउटसाइड, ये इनसाइड है या आउटसाइड वाला प्रेशर है। अच्छा मतलब हम हमारा एरिया चेंज हुआ है बच्चों, एरिया बढ़ गया है ना, अरे पहले से एरिया क्या हो रहा है बच्चों मेरा, बढ़ गया, क्यों, एक्सेस प्रेशर के कारण जूम ऐसे बढ़ रहा है, बलून कैसे होता, हवा हवा डाल दो उसमें तो बूम ऐसे बड़ा हो जाएगा, तो बच्चों यहां पे भी एक्सेस प्रेशर के कारण ये बड़ा हो गया, और कितना dr इतनी उसकी रेडियस बढ़ गई, मतलब इसका चेंज इन एरिया हमको निकालना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग फाइनल एरिया, ठीक है बच्चों, फाइनल एरिया, फाइनल एरिया को AF बोलेंगे, 4πr+dr, देखो इसकी जो रेडियस है r+dr हो रहा है स्क्वायर, बात समझ में आ रही बच्चों, ये समझ में आ गया बच्चों, स्फेरिकल का एरिया क्या होता है, 4πr² होता है कि नहीं, कितना होता है, 4πr², यहां पे r है लेकिन r+dr, क्या इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो फाइनल एरिया इज इक्वल टू 4π, आपको आता है ना r² + है ना यहां पे 2r(dr+dr²), बात समझ में आ रही बच्चों, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a² + 2ab + b² तो फाइनल एरिया इज इक्वल टू 4π, यहां पे कर सकता हूं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों हम लोग, 4πr², यहां पे 4 × 2 = 8πr(dr+ 4π(dr²), बच्चों आपके अगर ध्यान में आता है तो देख लेना, यहां पे 4π(dr² अप्रोक्सीमेटली हम उसको जीरो लेंगे, क्यों, क्या है बच्चों यहां पे क्यों जीरो लेना है मुझे बता बच्चों, ये जो dr है ये वेरी स्मॉल इंक्रीज हो रहा है ना, लिक्विड का जो प्रेशर है बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत स्मॉल है, समझो फॉर एग्जांपल 10⁻⁶ मीटर लिया, तो इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर किया तो -12 मीटर, ये 10⁻½ बहुत छोटा होगा कि नहीं, बहुत करीब करीब हम उसको जीरो मानेंगे कि नहीं, अरे मानेंगे कि नहीं, बात तो समझ में आ रही है आपको बच्चों, मैं ये बता रहा हूं ये dr जो है वेरी स्मॉल इंक्रीज हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, बहुत छोटा, कितना, जैसे कि माइक्रोमीटर में बोल रहे हम, तो 10⁻⁶,
अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो 10^-12 कितना छोटा होगा, मतलब 0.00000, ठीक है, 4-5 इतना छोटा होगा बच्चों, तो बहुत छोटा हो गया यहाँ पे, बहुत ही छोटा हो गया, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। तो बच्चों हम लोग चेंज इन एरिया निकालना चाहते हैं, तो चेंज इन एरिया निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, क्या होगा बच्चों, फाइनल माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, चेंज इन एरिया, चेंज कितना हो गया, एक्सेस कितना है उसके कारण चेंज इन एरिया कितना है, तो चेंज इन एरिया इज इक्वल टू फाइनल के लिए मेरे पास बच्चों यहां पे इक्वेशन है 4πr² + 8πr(dr). ये कहां गया बच्चों, ये जीरो है, अप्रोक्सीमेटली इसको जीरो माना, माइनस इनिशियल, इनिशियल एरिया बच्चों मेरे पास 4πr² कोई शक बच्चों, देखो फाइनल ये है, इनिशियल एरिया 4πr² है, ये और प्लस माइनस गए खड्डे में, तो डी ए इज इक्वल टू 8πr(dr), तो ये चेंज ही नहीं रहा मेरा बच्चों, कोई शक है, समझ में आ रहा है सबको, बढ़ना बच्चों आगे, ठीक है। चलो हम लोग देख रहे हैं बच्चों यहां पे सरफेस एनर्जी क्या होती है, तो बच्चों इसका एरिया बढ़ रहा है, मतलब सरफेस एनर्जी बढ़ रही है, सरफेस एरिया तो पता है ना, सरफेस एनर्जी, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया, अगर नहीं देखा तो देख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां पे क्या सरफेस एनर्जी का फार्मूला है, सरफेस एनर्जी का फार्मूला था बच्चों T into dA, देख लेना नहीं देखा है तो, है ना, टेंशन इंटू एरिया, ठीक है। तो बच्चों सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी, इनका जो एरिया बच्चों 8πr(dr), ये सरफेस एनर्जी मिली बच्चों। ये सरफेस एनर्जी कहां से आती है, वर्क डन, मैंने कुछ वर्क किया होगा ना इसके ऊपर, नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, ये जो सरफेस एनर्जी है कुछ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं, वर्क किया तो सरफेस एनर्जी मिलेगी, तो बच्चों यहां पे इसलिए वर्क डन ऑन ड्रॉप पे करने के बाद उसके लिए फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है देख लेना, प्रेशर का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, पता है आपको। अरे बच्चों यहां पे प्रेशर की बात चलो ना, तो वीसी के बारे में सोचेंगे हम, तो यहां पे फोर्स मिलेगा बच्चों पी इंटू ए, तो पी ए और डिस्प्लेसमेंट बच्चों डी आर, नहीं समझ में आ रहा, अरे डी आर होगा कि नहीं, इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब मैंने यहां से जूम जूम इतना बढ़ा दिया उसको, बात समझ में आ रही बच्चों, कोई टेंशन, ओके। अब ये जो एरिया है इनिशियली है, मतलब ओरिजिनल पे मैंने वर्क किया, जो ओरिजिनल था उसके ऊपर वर्क किया, तो बच्चों इस प्रेशर को कुछ लोग लिखता है ऐसे PI PO, क्यों, अरे ये जो प्रेशर है ये प्रेशर कितना है, तो मैंने जैसे इसके पहले बताया इनिशियल और ये माइनस फाइनल है, लिख सकते हैं सब ठीक है, इंटरनल, क्योंकि इंटरनल वाला जो प्रेशर है वो ज्यादा है आउटर से, और यहां पे है 4πr² (dr). बच्चों ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों सरफेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन में होती है, तो इसलिए बच्चों हम लोग कर रहे हैं कंपैरिजन, तो यहां पे लिख सकते हैं इसके वैल्यू पुट अप कर सकते हैं PI PO इंटरनल आउटर 4πr² (dr) इज इक्वल टू टी 8πr(dr). dr से dr को मार दो, यहां पे 4π से यहां पे 2 हो गए, समझ में आ रहा है ना, यहां से एक आर को मार दो बच्चों, तो यहां पे मुझे मिल रहा है PI PO, मतलब इंटरनल आउटर इज इक्वल टू, यहां पे एक आर बचा था तो बच्चों यहां पे हो गया 2t r, बात समझ में आ रही बच्चों। देखो dr से dr को मार दिया, एक आर से एक आर मार दिया, पाई से पाई मर गया, 4 × 2 = 8, तो 2t यार मल्टीप्लाई था, यहां पे जाने के बाद डिवाइड हो रहा है, मतलब बच्चों यहां पे जो एक्सेस प्रेशर मिल रहा है 2t, यहां पे कैपिटल आर भी डाल सकते, कभी कभी होता है ऐसे, बात समझ में आ रही है बच्चों। तो आपके पास जो एक्सेस प्रेशर है किसके पास, इस ड्रॉप के पास, वो है T by R, बात समझ में आ रही है, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो बताना है बच्चों आप लोगों को, मैं और आप लोगों को जितना हो सके उतना कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों में, ठीक है, बढ़ना बच्चों आगे, ओके।
देखो दोबारा, ये जो ड्रॉप है, ड्रॉप को एक्सेस प्रेशर कौन, लिक्विड लगा रहा है, तो जूम 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 इधर ऐसा ऐसा लगाता होगा, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, लिक्विड फोर्स लगा रहा है इसे, इसके कारण उसका जो एरिया बढ़ गया है बच्चों, कितना dr, इतना। तो इनिशियल एरिया कितना था इस ड्रॉप का, 4πr² स्पेरिकल का फार्मूला है मेरे पास, फाइनल एरिया 4π, अब ये r और ये dr इसका स्क्वायर है, तो इसको मैंने a प्लस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर से सॉल्व किया, 4π r स्क्वायर प्लस ट्वाइस r dr प्लस dr स्क्वायर, फाइनल मिल रहा है 4πr² 4 × 8πr dr, और ये है, लेकिन बच्चों ये वेरी स्मॉल है ना, और स्मॉल होने के कारण उसका स्क्वायर और स्मॉल आएगा, बहुत स्मॉल आएगा, तो इसलिए उसको निग्लिजिबल करते हैं। तो चेंज इन एरिया निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मेरे पास बच्चों 4πr² प्लस 8πr dr, और ये इनिशियल है, ये कैंसिल हो गया, चेंज इन एरिया इतना। सरफेस एनर्जी क्या होती है, टेंशन मल्टीप्लाई चेंज इन एरिया है ना, तो टी एरिया हमारे पास ये, लेकिन बच्चों ये जो सरफेस एनर्जी चेंज हो रही है, ये वर्क के कारण हो रही है, कुछ तो कुछ वर्क होता होगा ना यहां पे, अरे कुछ वर्क हो रहा है ना, उसका भी एरिया चेंज हो, मतलब वर्क हो रहा है, तो वर्क है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स क्या है बच्चों, तो पी इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर चेंज इन प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना है मेरे पास, तो यहां पे इंटरनल ज्यादा प्रेशर है बच्चों, लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है ना, फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा है आउटसाइड से, एरिया है 4πr² इनिशियल, और डिस्प्लेसमेंट हमने dr किया, तो हमने दोनों को कंपेयर किया बच्चों, क्योंकि दोनों सरफेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन है, तो जो मर गए मर गए, बचाए। उसके बाद में बच्चों यही सवाल हमको ड्रॉप के लिए भी पूछते हैं, किसके लिए, ड्रॉप के लिए, तो बच्चों यही कहानी मैं अभी आपको कंटिन्यू कर रहा हूं, मेरे पास अभी जो फार्मूला मिला था आपके पास है, जो एक्सेस ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू टॉइस टी बाय स्मॉल आर, या आप लोग लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ प्रेशर माइनस है ना टॉइस टी कैपिटल आर, दोनों भी फार्मूले सेम है, बात समझ में आ रही है, दोनों सेम 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 है। बढ़ना बच्चों आगे, हम लोग आगे बढ़ रहे बच्चों, अभी अब बबल के बारे में, बबल है ना, मतलब बबल के बारे में पढ़ने वाले, समझ में आ रहा है बच्चों, जो बबल है, अब बबल का दो सरफेस होंगे कि नहीं, अरे बबल को सरफेस, जैसे मेरा हाथ है, यस, और पीछे वाला ये दो है, तो बच्चों यही कहानी को हम लोग आगे लेके जाने वाले, बस ये कहानी को आगे लेके जा रहे, तो क्या करना है पता है, जो सरफेस एनर्जी है इसी को लिखेंगे, देखो तो टी मल्टीप्लाई टू 8πr dr, बात समझ में आ रही है बच्चों, बात समझ में आ रही है, टू ए क्यों किया, कि दो एरिया सरफेस, देखो फॉर्मूला ही टी इंटू 8πdr, टू 8πdr, टू क्यों लिखा है, दो सरफेस एरिया होंगे उसको बबल को, इसलिए बच्चों मैंने सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी, यहां पे हो गए, यहां पे 8 × 16πr dr, ये सरफेस एनर्जी है, बात समझ में आ रही है बच्चों, कोई टेंशन, कोई टेंशन, बढ़ना आगे, और वर्क तो ऑलरेडी आपके पास है बच्चों, वर्क का फार्मूला मेरे पास, एक्सेस प्रेशर यहां पे 4πr² × dr, बात समझ में आ रही, एक्सेस प्रेशर यही है, तो दोनों को कंपेयर करो बच्चों, अभी तो मैं कंपेरिजन करने जा रहा बच्चों, एक्सेस प्रेशर को मैं लिख रहा हूं, पता है ना इंटरनल या आउटर, 4πr² × dr, यहां पे टी 16πr × dr, बात समझ में आ रही बच्चों, कुछ नहीं दोनों को कंपेयर करना था, तो यहां पे बच्चों dr से dr मर गया, पाई से पाई को मरवा दो, एक r से एक r मरवा दो, 4 × 4 = 16, बात समझ में आ रही, 4 × 4 = 16, तो यहां पे एक्सेस प्रेशर 4t डिवाइडेड बाय r, अरे यार डिवाइड जाएगा कि नहीं बच्चों, यार जो है ये डिवाइड जा रहा है, या कुछ लोग ऐसे लिखेंगे एक्सेस प्रेशर जो है बबल के लिए 4t डिवाइड बाय r, दोनों का मतलब सेम है बच्चों, व्हाट इट, कोई शक, पहले मैंने किसके लिए बच्चों, ड्रॉप के लिए निकाला था, ये ड्रॉप के लिए था, और ये जो है अभी ये बबल के लिए है प्रेशर बच्चों, एक्सेस प्रेशर बबल के पास 4t बाय r होता है, और ड्रॉप के पास कितना होता है, तो 2t बाय कैपिटल आर, इतना एक्सेस ऑफ प्रेशर होता है, बात समझ में आ रही बच्चों, कोई टेंशन नहीं है,
देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में जो आने वाला है वो 3 मार्क्स के लिए अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जाना है। या लाप्लास लॉ बोलेंगे, एक्सेस ऑफ प्रेशर बोलेंगे, है ना, तो स्पेरिकल बबल के बारे में क्वेश्चन आते हैं रहते हैं। तो ये लाप्लास लॉ है बच्चों, या एक्सेस ऑफ प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा आपको बुक्स में पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ज्यादा है बच्चों आने की। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन, बढ़ना आगे बच्चों। बच्चों 2 क्वेश्चंस यहां पे लिख के रख रहा हूं मैं, जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो आपको थ्योरी क्वेश्चंस आएगा, अदरवाइज बच्चों थ्योरी क्वेश्चंस भी नहीं आया तो आपको न्यूमेरिकल्स तो आ सकता है इसके ऊपर। बच्चों सवाल अच्छी तरह से पढ़ लेना, पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि हमको ड्रॉप दिया या बबल से। क्योंकि मैंने बच्चों अभी बताया आपको, ड्रॉप के लिए जो एक्सेस प्रेशर होता है, एक्सेस प्रेशर वो होता है TT बार, और जो बबल के लिए होता है वो 4T बार आ रहे ना। तो अच्छी तरह से पहले समझ लेना कि ये ड्रॉप है या बबल है, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को वही कंफ्यूजन रहता है, पढ़ते नहीं बराबर। देखो बबल ऑफ ड्रॉप, बबल है पक्का, ये फार्मूला है। डायमीटर मतलब डायमीटर दिया है बच्चों हमारे पास 8 मिलीमीटर, इस फॉर्म इन एयर, एयर में एक बबल फॉर्म हो गया है। सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन, जो टेंशन है बच्चों वो है हमारे पास 30 dyne per centimeter। कैलकुलेट द एक्सेस प्रेशर ऑफ द बबल, तो एक्सेस प्रेशर कितनी होगी ये हमारे पास सवाल है बच्चों। सबसे पहले डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर रहा हूं 4 मिलीमीटर। अब बच्चों मुझे डाइन पर सेंटीमीटर सीजीएस यूनिट है ना, सीजीएस में कन्वर्ट करो, तो यहां पे कर सकते 4 मिली में होता 10^-3, लेकिन मुझे सेंटीमीटर में तो 4 × 10^-1 cm। बात समझ में आ रही बच्चों? क्या समझ में आ रहा है? अरे सेंटीमीटर मिलीमीटर टू मिली 10^-3, सेंटीमीटर 10^-2 खा लेगा ना ये इसको खुद को। समझ में आ रहा है ना? अरे यहां पे सेंटीमीटर मतलब ये होता है कि नहीं है, तो 2 कम कर दो तो 1 ही बाकी रहेगा कि नहीं। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो कौन सा फार्मूला हमारे पास, एक्सेस प्रेशर किसका, बबल का निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल, इनसाइड बबल प्रेशर कितना, मतलब लिक्विड, ये जो बबल है हमारे पास, ये जो लिक्विड लगा रहा है, ये जो लिक्विड लगा रहा है ना, प्रेशर लगा रहा है कि नहीं, इसे प्रेशर लगा रहा है, लगा रहा है कि नहीं, लगा रहा है कि नहीं, ये है ना, तो कितना लगा रहा है, तो हम लोग निकाल सकते हैं PI PO, है ना, ये इनसाइड माइनस आउटसाइड, 4T/R। तो 4T कितना बच्चों, टेंशन कितना है 30, R कितना है 4 × 10^-1, 4 से 4 को मार दो तो ये गया बच्चों ऊपर, तो 30 × 10^-1 मतलब बच्चों 300 dyne per प्रेशर है ना, ओनली प्रेशर ही निकालना है बच्चों हम लोगों को, दूसरा कुछ नहीं है, है ना, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट आता है ना बच्चों, प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन सीजीएस है न्यूटन का डाइन, मीटर का सेंटीमीटर। बच्चों आपने अगर फार्मूला लिखा तो आधा मार्क, वैल्यू पुट की तो आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट 1 मार्क्स। तो बच्चों ऐसे 2 मार्क के लिए सवाल आते रहते हैं, बात को समझो बच्चों। गिवन डेटा लिखा, इसके लिए कोई मार्क नहीं होता है, फार्मूला आधा, गिवन वैल्यू पुटअप की आधा बार, आंसर विद प्रॉपर यूनिट, अगर यूनिट प्रॉपर नहीं है तो नंबर्स नहीं मिलेंगे बच्चों, मिटा रहा बच्चों इस चीज को। ओके, तो इसके बाद में देखो नीचे वाला एक सवाल दी वाला है, ये आपको करना है, चलो करो, ट्राई करना है बच्चों, चलो ट्राई करो, सब लोग ट्राई करेंगे, चलो हो गया, ट्राई कर रहे बच्चों आप लोग, देख लेना। देखो फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर, रेडियस है 1 मिलीमीटर दी वाली बच्चों हम लोगों को। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसका सरफेस टेंशन दी वाला नीचे पढ़ लेना है, वो है 0.07 newton per meter और रेडियस है बच्चों इसकी 1 मिलीमीटर, ये न्यूटन मीटर है, इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, कैसे, 10^-3 मिली को मीटर में 10^-3। उन्होंने बताया कि हमारे पास आप ड्रॉप है बच्चों, ड्रॉप है,
ड्रॉप में यहां पे आपको पता है इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड में कौन लगा रहा है प्रेशर लिक्विड, आउटसाइड में कौन है एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो है कि नहीं। तो हमने बताया कि प्रेशर ऑफ लिक्विड माइनस प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 2T/R, ड्रॉप है तो 2T/R, यही फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो हमने बताया इसको इंटरनल इस प्रेशर को, इसको एक्सटर्नल मतलब जो आउटसाइड में है। चलो तो बढ़ रहे बच्चों आगे हम लोग, PI, ये इनसाइड है और ये कौन है आउटसाइड है, टू टी, टी कितना है सर पे टेंशन है बच्चों हमारे पास 0.07 है, डिवाइडेड बाय आर, आर है 10^-3। बात समझ में आ रही बच्चों, ये है ये 10^-2, ये ऊपर गया +3। बात समझ में आ रही, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 2 शिफ्ट किया 1 2, 10^-2, ये -3 है, ऊपर जाने के बाद +3। तो बच्चों समझ में आ रहा है, ये हो गया 14 × 10^-1। बात समझ में आ रही बच्चों, 3 में से 2 गए 1, तो 10 से मल्टीप्लाई करो 140। तो बच्चों इसको लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक्सेस ऑफ प्रेशर जो है इनसाइड एंड आउटसाइड में हमारे पास 140 मिला। देखो इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर है ना, फाइन डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस मिला है बच्चों हमें, एक्सेस ऑफ प्रेशर बोलेंगे हम इसको, इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ प्रेशर 140 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत बच्चों समझ में आ रहा है? ऐसे न्यूमेरिकल आप लोग और भी ट्रायल करके देखो, जितना हो सके उतना ट्रायल करना बच्चों। तो थैंक्स बच्चों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर यूर फ्यूचर और बेस्ट लक यूर द स्टडी।